इसको लेकर के देखो भैया, मुझे अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास ऑलरेडी बैटरी है, बट उससे ना मेरी जो दुकान की लाइटें वगैरह चलती थी, बाकी फ्रिज में बहुत सारी दिक्कत आती थी मुझे। लेकिन अच्छा अब मेरे पास है ना 3 डीप फ्रिज हैं, 2 कॉमर्शियल फ्रिज हैं। तो भैया ने बताया कि इसका सारा लोड कम से कम 1.5-2 घंटा हो गया भैया को लगाए हुए, जब से चल रहा है कंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। अच्छा हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, लाइट ऑफ है नहीं चल सकता है उसमें। मुझे काफ़ी सारी दिक्कत आती थी, मेरे फ्रिज बंद हो जाते थे, काफ़ी सारी दूध भी ख़राब होने की दिक्कत रहती थी, आइसक्रीम भी मेल्ट हो जाती थी, बाकी कोक वगैरह भी ठंडी नहीं होती थी हमारी दुकान पे। तो इसे लग रहा है कि हाँ, मुझे लगवाना चाहिए ज़रूर। अच्छा, वो जो डीप फ्रीज वगैरह है, जो आइसक्रीम वगैरह आप सेल वगैरह करते हैं, तो इसके अंदर जब पावर कट ऑफ होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है डीप फ्रीज अगर डीप लाइट ना फ्रीजर हो के तो? अंदर भैया प्रॉब्लम आती है कि लाइट जाने के बाद है ना, उसे खोल नहीं सकते हम। अच्छा खोलते हैं तो उसकी चॉकलेट जितनी भी है वो मेल्ट होने लग जाती है आइसक्रीम, तो उसे हम उसे कम ही खोलते हैं, उस टाइम पे हम सेल भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो मतलब सेल का भी नुकसान होता है अगर सेल का पावर भी कट हो गया तो? बिल्कुल सेल का भी नुकसान होता है अच्छा उससे। इससे अगर ये लग जाएगा तो कंटिन्यूस तो रहेगी लाइट कम से कम, उससे सेल पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेल भी हम बराबर कर सकते हैं। अब एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर सारा लोड। इसके लिए फर्स्ट हमने क्या किया है, जो यहाँ पर वायर है इसको कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट यहाँ पर मीटर के यहाँ पर। यहाँ पर जो मीटर से वायर आते हैं, यानी ग्रिड के जो वायर थे, उन्हें हमने डायरेक्ट निकाल दिया बाहर करके, और यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया इन्वर्टर से जो वायर आ रहे हैं उन्हें। इसके बाद में एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर इन वायर को कनेक्ट किया है और अब इसे कर दिया है हमने ऑन, जिसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ का जो पूरा लोड है वो पूरा लोड अभी चल रहा है यहाँ पर हमारे जो केमल बैटरी है इसके ऊपर, जिसके अंदर यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेटर है, साथ में यहाँ पर आइसक्रीम का जो डीप फ्रीजर है इसको देख सकते हैं, साथ में एक और डीप फ्रीजर यहाँ पर है वो भी इसी के ऊपर चल रहा है, साथ में यहाँ पर एक और फ्रीजर है ये भी इसी के ऊपर चल रहा है, साथ में यहाँ पर जितने भी आप लोड देख पा रहे हैं अभी, जो बाहर की लाइट चल रही है, साथ में अंदर की तरफ जितनी भी लाइट फैन वगैरह है, ये सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल चल रही है यहाँ पर हमारी केमल बैटरी के ऊपर। अब चेक करते हैं यहाँ पर कि इसके ऊपर टोटल लोड कितना है, तो अब क्लैंप मीटर की मदद से देखेंगे कि टोटल लोड यहाँ पर अभी शॉप का कितना है। तो जैसा आप देख सकते हैं 4.6 एम्पियर का अभी यहाँ पर पावर कंजप्शन है। हमने मैक्सिमम यहाँ पर जो पावर कंजप्शन नोट किया है वो 6.5 एम्पियर का है, यानी लगभग 6.5 एम्पियर तक का यहाँ पर पावर कंजप्शन हो रहा है। और जैसे जैसे जो यहाँ पर इक्विपमेंट है, जैसे कि फ्रिज है, उन्हें ओपन करते हैं या बंद करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या होता है, जो कंजप्शन है वो कम या ज़्यादा यहाँ पर होता रहता है। अब यहाँ पर जो शॉपकीपर है उनसे भी बात करके देखते हैं कि जो हमने केमल बैटरी यहाँ पर इंस्टॉल की है इससे उनका कैसा एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ अब भैया से पूछते हैं। भैया पहले अपना नाम और बता दीजिए कि आपकी शॉप कहाँ पर है। मेरा नाम मलखान सिंह है, मेरी शॉप सेक्टर 31 फरीदाबाद में। अच्छा भैया, हमने अभी जो ये सिस्टम आपके यहाँ पर इंस्टॉल किया है इससे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, जो आपके यहाँ पे लोड वगैरह इससे चल रहा है जी? अच्छा, ये वाला इंस्टॉलिंग? हाँ, ये जो हमने सिस्टम यहाँ पे लगाया हाँ है, हाँ इन्वर्टर और बैटरी, यहाँ पे लिथियम बैटरी हमने काम में, तो अब बताइए आपका एक्सपीरियंस इस सेल को लेके कैसा रहा है?